गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 33 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 9,240 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसके अलावा 2024 तक राज्य में 1,00,000 करोड़ की सड़कें बनाने का ऐलान गडकरी ने किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पहले से स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में देरी के चलते कई प्रोजेक्ट्स हैं जो निर्धारित समय पर पूरे नहीं हो सके हैं। आखिर इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोजेक्ट हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या इसमें देरी हो रही है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। देरी के चलते ये प्रोजेक्ट्स निर्धारित समय में पूरे नहीं हो सके हैं। बात करें रायपुर धमतरी फोर लेन की, तो फोर लेन का काम साल 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन 700 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन फोर लेन का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस कार्य के लिए पुराने ठेकेदार को टर्मिनेट करने के बाद नए सिरे से टेंडर जारी किया गया, जिसके चलते काम में देरी हुई। अब अगले साल तक प्रोजेक्ट पूरा करने की बात कही जा रही है। रायपुर से दुर्ग के बीचों बीच 394 करोड़ की लागत से 5 फ्लाईओवर का कार्य 2018 में शुरू किया गया था। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने 2 साल का टारगेट रखा गया, लेकिन अब तक केवल कुम्हारी फ्लाईओवर का काम पूरा हो सका है। कोविड काल के पहले साल 2020 से 21 में कुल 75 निर्माण कार्य पूरे किए गए। 24 परियोजनाओं पर अब भी काम जारी है। इन परियोजनाओं के लिए 1,524 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। अगले 3 साल में एडीबी के तहत 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर 3,000 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाना है। इसके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दुर्ग, उतई, पाटन, अभनपुर रोड, कुम्हारी, अहिवारा, थमता रोड, बारपाली, मड़वा, गिरौदपुरी रोड, बसंतपुर, पेंड्रा, मरवाही रोड समेत अन्य जगहों पर नई सड़कें प्रस्तावित हैं, जिस पर अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। हालांकि रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि नेशनल हाईवे के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसे पूरा करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। रायपुर धमतरी फोर लेन में तकनीकी दिक्कतें आई थी जिसे दूर कर लिया गया है। उसकी भी बात हमने किया था, कुछ कंपनियां डिफॉल्ट हो गई थी और उसके भी निराकरण करके गडकरी जी ने जो है उसको काम करने के वापस निर्देश दिए, फटकार भी लगाई है, मेरे सामने में लगाई है। और अब जो है ये धमतरी फोर लेन भी जो है, जिसको मैंने सांसद बनने के बाद लगातार इसको परसू किया था, तो ये भी संभवतः अगले वर्ष जो है इसका लोकार्पण हो जाएगा। टाटीबंध फ्लाईओवर का भी लोकार्पण हो जाएगा। तो समय सीमा में काम हो, इस बात का प्रयास हमेशा नितिन गडकरी जी करते हैं और क्वालिटी के साथ में, और क्वालिटी के बहुत लफड़े आते हैं, बदमाशियाँ भी कई कर डालते हैं, तो उस कारण भी लेट होता है, फटकार लगती है उसको सुधारो तो फिर तोड़ते हैं वो। तो ये क्वालिटी अच्छी होना चाहिए ताकि आने वाले वर्षों तक के उसका जो है उपयोग और लाभ जो है लोगों को मिलता रहे। नेशनल हाईवे के कई प्रोजेक्ट्स में देरी का कारण कोविड काल बताया जा रहा है। हालांकि एनएच से जुड़े अफसर ये कह रहे हैं कि कोविड के बाद स्थितियां सामान्य होने के बाद निर्माणाधीन काम तेजी से चल रहा है। रायपुर धमतरी फोर लेन और दुर्ग रायपुर फ्लाईओवर का काम अगले साल तक पूरा होने का दावा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 9,240 करोड़ रुपए की 33 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही ये कहा है कि 2024 तक छत्तीसगढ़ में 1,00,000 करोड़ की सड़कें बनेगी जो अमेरिका जैसे होंगी। लेकिन इसके पहले छत्तीसगढ़ में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जिसका शिलान्यास 2018 में किया गया था, लेकिन उसका काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। मैं इस वक्त धमतरी रायपुर जो फोर लेन का काम चल रहा है उस पर इसका तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कई हिस्सों में ये काम यहाँ पर पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी कई पैच हैं जिसमें काम जो है पूरा नहीं हो सका है। इसका जो है लोकार्पण जो है 2016 में किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसके साथ ही दुर्ग से रायपुर के बीच 5 फ्लाईओवर बनने थे, लेकिन उसका भी काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में जो प्रोजेक्ट्स नितिन गडकरी ने जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वो भी प्रोजेक्ट्स क्या समय पर पूरे हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INH News, रायपुर।